हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 12 मैथ्स का आज बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो हम जो एग्जाम होने वाला है 13 अप्रैल 2022 को, मैथ्स का पेपर है क्लास 12 का, तो उसके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमें पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन हम अच्छे से लगाएंगे, ठीक है। तो देखो, जैसे क्वेश्चन कह रहा है, यदि ए इक्वल टू ये हमें अभी दिया है, बी इक्वल टू ये दिया है, तो दिखाइए कि ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। तो हमें ये दिखा रहा है ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, ये हमें सिद्ध करके बता रहे हैं। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 13 अप्रैल 2022 को मैथ्स का पेपर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन उसके लिए, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में देखो, ए इक्वल टू में दिया गया है 2031 और बी इक्वल टू क्या दिया गया है 3241। आप देखो, हमें आप देख रहे हो यहाँ पे हमें ए डैस की भी ज़रूरत पड़ेगी, बी डैस की, तो ए डैस भी निकाल लो। ए डैस कैसे निकलेगा? ए डैस के लिए हम क्या करेंगे, जो 2-3 ऐसे लिखा है, हम 2-3 को ऐसे खड़ी पंक्ति में, जैसे ये ऐसे क्षैतिज में लिखा है, अब ऊर्ध्वाधर में लिख देंगे ये 2-3। ये 0-1 ऐसे नीचे लिखा था, तो 0-1 को हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। 2-3 ऐसे था, ऐसे लिख दिया, 0-1 ऐसे था, तो ऐसे लिख दिया। या आप ऐसे देख सकते हो, 2-0 इसे ऊर्ध्वाधर था तो इसे क्षैतिज कर दिया, ये ऊर्ध्वाधर था तो इसे क्षैतिज कर दिया, ठीक है। तो किसी प्रकार भी आप देख सकते हो। तो उसी प्रकार बी में करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ 3-2 ऐसे, 3-2 ऊपर कर दो, 4-1 ऐसे, 4-1 ऐसे कर दो। या ऐसे भी देख सकते हो, 3-4 ऊपर था तो नीचे हो गया, 2-1 नीचे था तो ये ऊपर हो गया, ठीक है। तो बस ए डैश भी निकल गया, बी डैश भी निकल गया, क्योंकि हमें यहाँ बी डैश की भी जरूरत पड़ती, ए डैश की भी जरूरत पड़ती। अब हम ए बी निकाल लेते हैं, ए बी को होल डैश करना है ना, तो हम ए बी निकाल लेते हैं। ए बी देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ 2031 और यहाँ डॉट लगेगा 3241, ठीक है, 3241। अब इसमें इसका गुणा करना है हमें, तो देखो कैसे करेंगे, 2 × 3, गुणा तो आपको आता ही होगा, ठीक है। तो प्लस 3 × 2, ठीक है, 2 × 3 प्लस 3 × 2, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 2 × 4 प्लस 3 × 1, 3 × 1, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 0 × 3 प्लस 1 × 2, फिर क्या होगा, 0 × 4 प्लस 1 × 1, ठीक है। तो ये आ गया, आप देखो क्या होगा, 2 × 3 कितना हो गया, 6 + 6 यहाँ 2 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 4 × 2 = 8 प्लस 3 यहाँ पे हो गया 1। आप देखो ए बी निकला है अभी, तो ए बी इक्वल टू क्या आ गया, 6 × 6 हो गया 12, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 11, यहाँ पे हो गया 1। तो देखो 6 × 6 = 12 2 × 11 1। अब यहाँ पे हमें ए बी का डैश निकालना है, तो यहाँ पे डैश भी निकाल लेते हैं। देखो कैसे ए बी का हमें निकालना है डैश, तो ए बी का डैश कितना आएगा, देखो 12 और 2 ऐसे लिखा, तो अब इसे कैसे लिख देंगे, ऐसे ऐसे, तो ये 12 आ गया, ये 2 आ गया, ठीक है, 12 आ गया, ये 2 आ गया, यहाँ पे 11 और 1 को ऐसे लिख दो, ठीक है, क्योंकि डैश निकाला अभी, ऊपर भी हमने निकाल के आपको दिखाया, ठीक है। तो 12 देखो, 12 11 ऐसे था, तो इसे नीचे ऐसे ऐसे लिख दिया गया, ठीक है। तो वही चीज़ हुआ, ए बी का डैश निकल गया। आप निकालना बी डैश ए डैश, तो बी डैश का भी मान बताया, ए डैश का भी मान बताया, तो बी डैश ए डैश निकाल, ठीक है। तो बी डैश ए डैश निकाला, तो बी डैश का मान ये, ए डैश का मान ये, आप बस इसका गुणा कर लेना है। तो बी डैश और ए डैश हमें निकालना है, ये भी बहुत आसान है, बस गुणा करना है। देखो 3 का गुणा हो गया 2 से, तो 3 × 2 प्लस 2 × हो गया हमारा यहाँ पे 3, यहाँ पे हो गया 3 × 0 प्लस 2 × 1, यहाँ पे कितना हो गया 4 × 2 ये हो गया प्लस 1 × 3, ये देखो 1 का गुणा इससे हो गया, अब 4 का गुणा 0 से होगा, तो 4 × 0 प्लस 1 × 1, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, गुणा तो आप लोगों को बहुत आसान, ठीक है, आप कर सकते हो। बी डैश ए डैश इक्वल टू कितना आ गया, 3 × 2 हो गया आपका 6 प्लस 3 × 2 या 2 × 3 हो गया 6, 4 × 2 हो गया 8 प्लस हो गया 3, और 3 ये तो 0 है, तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 2 4 का 0 से हुआ 0 प्लस 1। आप देखो बी डैश ए डैश की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी, 6 हो गया 12 एंड 8 × 3 हो गया 11, 2 हो गया 1 हो गया। तो बी डैश ए डैश इतना निकला, और हमारा ए बी का होल डैश कितना निकला था, तो देखो ए बी का होल डैश था 12 11 2 1, तो ए बी का होल डैश भी हमारा वही है। तो देखो ए बी का होल डैश और बी डैश ए डैश का होल डैश दोनों बराबर आए, तो ए बी का होल डैश इक्वल टू हम लिख सकते हैं बी डैश ए डैश, तो हमें यही सिद्ध करना था, तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। हमें सिद्ध क्या करना था, यही तो सिद्ध करना था कि ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, तो सिद्ध हमें यही करना था, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो देख सकते हो आप क्वेश्चन कितना ज़्यादा आसान था, और भाई इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप बहुत अच्छे से मैथ्स की तैयारी करिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होती तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।